नमस्कार स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले A&M नर्सिंग कोर्स के बारे में। बहुत सारे छात्र छात्राएं होते हैं जो A&M के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं। अगर आप A&M करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो गाइज, इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि A&M आखिर क्या है, इससे कौन कर सकता है, मुझे फीस कितनी देनी पड़ेगी अगर मैं इस कोर्स को करता हूँ तो, कितना समय लगेगा मुझे A&M करने में, नौकरी कौन कौन सी मिलेगी, ये सारे ख्याल आ जाते हैं इस कोर्स में जाने से पहले, और आने भी चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। सो स्टूडेंट, ये सारे डाउट हम क्लियर करने वाले वन बाय वन करके। सबसे पहले हम जानेंगे कि A&M क्या होता है। A&M की फुल फॉर्म सहायक नर्स मिडवाइफरी, जिसको आप बोलते हैं एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, ए फॉर एक्सिलरी, एन फॉर नर्स और एम फॉर मिडवाइफरी होती है। ये जो कोर्स है A&M का, ये सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है, यानी कि ये कोर्स ओनली गर्ल्स के लिए है, नो बॉयज अलाउड। इस कोर्स की अवधि 2 वर्ष की होती है। कार्य के दौरान जो वस्तुएं होती है उसका रख रखाव व साफ सफाई आदि इसमें सिखाया जाता है, और इंजेक्शन ड्रिप्स ये सब भी इसमें सिखाया जाता है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब आपको सिखाया जाएगा, जो कि हेल्थ केयर सेंटर पे, प्राइमरी सेंटर पे वर्क होते हैं वो सभी इनके अंडर में ही आते हैं। और हाँ, वैक्सीनेशन की फैसिलिटी भी यही प्रोवाइड कराती है A&M। सो स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं इनके योग्यता की, इनके स्कोप के बारे में, ताकि आपको इसकी फुल इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाए। A&M के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है कि केवल लड़कियाँ ही इस कोर्स को कर सकती है। कोर्स करने के लिए स्टूडेंट की उम्र कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 वर्ष होनी चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल द्वारा आयोजित 10+2 कला विज्ञान परीक्षा में योग्य होना चाहिए। स्टूडेंट मेडिकल फिट होना चाहिए, यानी कि इस कोर्स को आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, साइंस वाले सभी कर सकते हैं। 10th पास भी कर सकता है तो 12th पास भी इसको कर सकता है। अगर आप आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपका सपना है मेडिकल फील्ड में जाने का, तो A&M कोर्स ही वो कोर्स है जो आपको उसमें ले जा सकता है। इसमें आपको इंजेक्शन लगाना, ड्रिप लगाना, वैक्सीनेशन इत्यादि जो वर्क होते हैं नर्सिंग के, वो सारे सिखाए जाएंगे इसमें। अब बात कर लेते हैं A&M के स्कोप की। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि कंप्लीट A&M कोर्स वर्क अस कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के होम नर्स, हेल्थ विजिटर के रूम में काम कर सकते हो, जो ग्रामीण हेल्थ वर्कर है वहाँ पर काम कर सकते हो, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे जो नर्स, आंगनबाड़ी केंद्र में इसका बहुत अच्छा जॉब होता है, यहाँ तक कि आपको पता है कि A&M जो कॉलेज होती है वहाँ पर भी स्कोप होता है, फ्रॉड में बहुत सारे स्कोप होता है, ज़्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर अच्छा स्कोप होता है इसका। ये सब जानने के बाद आपके माइंड में ख्याल आ रहा होगा कि इसके फॉर्म कब भरे जाते हैं, क्योंकि मुझे इसका एडमिशन लेना है, तो फॉर्म की टेंशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये चैनल ही बनाया है इसलिए आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो जैसे इसके फॉर्म निकलेंगे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे राजस्थान का हो, MP का हो, UP का हो, महाराष्ट्र का हो, कर्नाटक का हो, पंजाब, हरियाणा, ऑल इंडिया पासिंग किसी का भी हो, आपको मिल जाएगा जैसे इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो वो आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए तो आप करो एक काम कि न्यूज़ में रोजाना इसके आवेदन फॉर्म देखते रहो कि कब निकलेंगे, ऐसा भी आप कर सकते हो। या फिर स्टूडेंट, आपके पास एक और ऑप्शन है, अपनी जो पड़ोसी है, आपके जो रिलेटिव है, उसमें अगर कोई कर रहा है ऐसा, तो उनसे भी आप ले सकते हो कि इसके फॉर्म कब निकलेंगे, राय लेते रहना, उसे मिलते रहना, क्योंकि फॉर्म निकल गए आपको पता ही नहीं चला तो आपका साल बर्बाद है और आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इससे तो बेटर है कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको मिल जाएगी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन।